हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सब ठीक होंगे। गाइस आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले न्यू यामा MT125 के बारे में। गाइस MT125 के बारे में आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि भाई कब इंडिया में लॉन्च होगी, कब तक आ सकती है, यही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग पूछ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे न्यू यामा MT125 के बारे में कि कब तक लॉन्च होगी, बाइक का क्या प्राइस हो सकता है, बाइक के क्या फीचर्स रहेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, MT जो 125 है वो इंडिया में अगर आती है दोस्तों, बाइक की जो सेलिंग होगी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि आजकल इंडियन मार्केट में आपको पता ही होगा 125 बाइक्स में भाई जो ब्रांड है काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और इस समय सबसे अच्छा चीज़ ये है कि भाई लोगों को लुक चाहिए और लोगों को पावर भी चाहिए, प्लस लोगों को माइलेज भी चाहिए। इस वजह से दोस्तों ये बाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। चलिए दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सकें एंड आप मेरी वीडियोज अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं न्यू यामा MT125 के बारे में। किस आपको मैं बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी यामा की MT125 अवेलेबल है। फिलहाल इंडिया में लॉन्च नहीं की गई, इंडिया में यामा MT15 यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों जब से KTM की ड्यूक 125 एंड RC 125 सीरीज आई है, इंडियन मार्केट में 125 स्पोर्ट बाइक्स का जो क्रेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले बजाज की पल्सर 125 भी लॉन्च की गई है, NS 125, और हर एक ब्रांड 125 पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, यामा भी पीछे नहीं रहने वाला। बात करें दोस्तों यामा MT125 के बारे में, तो बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है गाइस वो लगभग 1,20,000 रुपीज़ के आसपास का जाएगा। एंड ऑन रोड प्राइस वही मान लीजिए 150 से 160, यानी कि 1,50,000 से 1,60,000 रुपये के आसपास की आपको ये बाइक ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों बाइक के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, जिसका स्पेसिफिकेशन आता है इंजन टाइप में 124 सीसी का इंजन है, जो कि लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOC इंजन के साथ में आती है। ऑब्वियसली बात है बाइक का लिक्विड कूल इंजन बहुत अच्छा है, बाइक में 124 सीसी का इंजन है। मैक्सिमम पावर में 14.7 का PS पावर है, जो कि 10,000 RPM में पावर जनरेट करता है। 11.5 का इंटरमीटेंट टॉर्क आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा, 8,000 RPM में पावर जनरेट करता है। नंबर ऑफ वन सिलेंडर में डिजाइन किया गया है, BS6 कंप्लाइंट इंजन है। नंबर ऑफ 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगे। क्लच के बारे में बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडियन बाइक्स में जो कि इंडियन मार्केट में आएगी तो इसमें आपको स्लिपर क्लच नहीं आएंगे, नॉर्मल आपको इसमें मल्टीप्लेट क्लच देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों ऑब्वियसली बात है प्राइस को भी देखना पड़ेगा यामा को। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों जो परफॉर्मेंस रहेगी वो 125 में MT का कोई तोड़ नहीं रहेगा, परफॉर्मेंस आपको इस बाइक में काफी अच्छी मिलेगी, ये मैं 110% आपको बता रहा हूँ। बात करें दोस्तों बाइक की फीचर्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो इस बाइक में आप लोगों को दोस्तों फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, जो कि आपको सेम MT15 में मिलता है वही सेम स्पीडोमीटर आपको इस बाइक में भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। और स्पीडोमीटर में स्पीडोमीटर रहेगा, टेकोमीटर हो गया, ट्रिप मीटर हो गया, ऑडोमीटर हो गया, क्लॉक हो गया, ABS लाइट हो गई, जैसे मोबाइल कनेक्टिविटी हो गया, डिस्टेंस टू MT इंडिकेटर हो गया, गियर इंडिकेटर हो गया, लो ऑयल इंडिकेटर हो गया, लो बैटरी इंडिकेटर, ये सारे फीचर्स आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगे। बात करें दोस्तों बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं बाइक का जो लुक होगा बाइक में सेम आपको वही प्रोजेक्टर लाइट मिलेगी जो कि यामा की MT15 में मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी लाइट है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अगर दोस्तों बात करें टर्न सिंगल लैप के बारे में, तो दोस्तों चांसेस है इस बार कि आपको LED शायद देखने को मिले, बट फिलहाल अभी तक को MT15 में भी आपको LED इंडिकेटर्स देखने को नहीं मिले, बट हो सकता है कि जब तक ये बाइक आएगी तब तक आपको इनमें LED की इंडिकेटर्स देखने को मिल सकते हैं। टेल लाइट ऑब्वियसली बात है LED ही रहेगी। एंड लुक वाइज बात करें, डिज़ाइन वाइज बात करें, तो सेम आपको MT15 की तरह ही देखने को मिलेगी, लुक में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला। बात करें दोस्तों बाइक के सीट हाइट के बारे में, तो बाइक की जो सीट हाइट रहेगी वो लगभग 810 mm के आसपास की आपको देखने को मिल सकती है। एंड बाइक का जो कर्व वेट रहेगा गाइस वो लगभग मान लीजिए 135 kg के आसपास का देखने को मिलता है, मिल सकता है। MT15 138 kg की, और ये आपको 135 kg के आसपास की देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा फिलहाल जो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है उसमें दोस्तों आप लोगों को अपसाइड डाउन USD फॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल यह बात अभी कंफर्म नहीं हुई कि इंडिया में ये बाइक में आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलेंगे। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो पहले आपको MT15 में देखने को मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है इस बाइक में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट में KTM ड्यूक 125 एक लौती ऐसी बाइक है जिसमें आपको USD फॉक सस्पेंशन आते हैं। रियर में इसमें आपको
आपको ऑब्वियस बात है मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे गाइस। साथ में दोस्तों बात करते हैं बाइक की ब्रेकिंग है टायर्स के बारे में। ब्रेकिंग टायर्स में मैं आपको बता दूं बाइक के जो टायर्स रहेंगे सेम आपको MT15 यानी कि MR15 में भी सेम वही टायर यूज होते हैं, MT15 में भी वही यूज होते हैं। फ्रंट में आपको इसमें 180 के टायर देखने को मिलेंगे, 17 इंच टायर ट्यूबलेस टायर आएंगे। रियर में 140/70 के टायर देखने को मिलेंगे, वो भी आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। बात करें ब्रेकिंग के बारे में दोस्तों तो सिंगल चैनल ABS भी आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट में 292mm की प्लेट यूज की गई जाएगी इस बाइक में, ऑब्वियस सी बात है 292mm की प्लेट साइज काफी अच्छी है। रियर में आपको इसमें 220mm की प्लेट देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बात करें बाइक की अपडेट के बारे में यानी कि लॉन्च के बारे में कि कब तक लॉन्च हो सकती है, तो कहा जा रहा है दोस्तों इस बाइक को इंडिया में इस साल के एंड में या आने वाले 2021 के फर्स्ट मंथ में आपको ये बाइक देखने को मिल सकती है। एनीवे दोस्तों बात करें बाइक की लॉन्च डेट के बारे में तो कहा जा रहा है इस बाइक को इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर 2022 के फर्स्ट मंथ में इस बाइक को लॉन्च किया जा सकता है यामा की तरफ से। MT125 दोस्तों मेरे हिसाब से काफी अच्छी बाइक होने वाली है, अब डिपेंड करता है दोस्तों कि कब इस बाइक को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल इस बाइक का जो वेट तो है काफी ज्यादा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।